उत्तरी इसराइल पर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने ऐसा आतंक फैला रखा है कि इस इलाके में रहने वाले सभी इसराइली अपने अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं और अब यहां पर रॉकेट, मिसाइल, तोप और बमों की आवाजें गूंज रही हैं। हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल पर बमबारी, मिसाइल और रॉकेट हमले करके उसे दहला रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि इजरायली सेना हिजबुल्ला को काबू करने में नाकाम साबित हुई है। उल्टा अपनी ही जमीन पर आईडीएफ के ऊपर आसमान से ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें बरस रही हैं। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 31 मार्च 2024 को इजरायल पर कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने इस इलाके में कई तरह के रॉकेटों और बमों से हमला किया है। सबसे पहला हमला दोपहर करीब 12:15 बजे हुआ। यह हमला रमीम बैरक में आईडीएफ की चौकी पर किया गया। इसके बाद अल मलिकिया सैन्य चौकी पर हिजबुल्ला ने कई बड़े कैलिबर बुरकन रॉकेट्स दागे हैं। और इस हमले के कुछ मिनटों बाद ही हिजबुल्ला का एक ड्रोन बरख्ता चौकी पर इसराइल के हथियार भंडारण पर जा गिरा, जिसमें जोरदार धमाका हुआ है। और इसके करीब एक घंटे बाद शेबा फार्म्स में हिजबुल्ला ने जिद्दीन सैन्य अड्डे पर जमकर गोला बारूद बरसाया है। इस हमले के बाद रुइसत अल अलाम और अल जिर्दा में इजरायली सेना के जासूसी उपकरणों को भी उड़ा दिया गया। इसके बाद शाम होते होते मिनारा सैन्य अड्डे पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन हिजबुल्ला ने यहां पर भी घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान होने की खबर है। लेकिन आधी रात के करीब 11:10 पर हिजबुल्ला ने मैतुला सैन्य अड्डे पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि आईडीएफ को इसमें भारी नुकसान हुआ है।